कांग्रेस भैरूनदास क्षेत्र में सोयाबीन की फसल खराब होने को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं यूथ कांग्रेस किसानों की सोयाबीन फसल को जो अल्प वर्षा और बीमारियों के कारण पूरी तरीके से नष्ट हो गई है, जिसके चलते किसानों पर आर्थिक संकट आ गया है। किसान आगामी फसल की बोनी कैसे करेगा, यह एक समस्या किसानों के लिए बड़ी है। किसानों की समस्याओं को लेकर प्रशासन से आग्रह करते हुए कहा गया है कि क्षेत्र को सूखा घोषित किया जाए, फसल का सर्वे कराकर उचित मुआवजे की राशि का जल्द भुगतान किया जाए, किसान द्वारा लिए गए ऋणों के ब्याज की राशि को भी माफ किया जाए, बिजली के बिलों को भी माफ किया जाए। थोड़ा हो रहे क्षेत्र में इस बार किसानों की फसल बहुत अच्छी लगी हुई थी, लेकिन सूखा पड़ जाने की वजह से, प्राकृतिक मार पड़ जाने की वजह से सोयाबीन की फसलों में अफलन की स्थिति काफ़ी समय से बनी हुई है। और अभी तक जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं मनीष शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, वो लगातार अपनी झूठी घोषणाएँ करते हैं। हम ये चाहते हैं कि किसानों के हित के लिए वो बीमा राशि और मुआवजे राशि की घोषणा करें और जल्द से जल्द किसानों को अपना अधिकार मिलना चाहिए। लगभग कितने परसेंट फसल खराब हुई? बहुत सारे पूरे जिले में लगभग 100% फसल की हानि हुई है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिसमें पूर्ण तरीके से फसल नष्ट हो चुकी है।